हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड, आज मैं कुछ प्रोडक्ट लेके आई हूँ आपके सामने जो ज़्यादा लंबे समय तक चलते हैं। जैसे आप फ्रीज में स्टोर करके रखोगे तो ये काफ़ी टाइम तक चल जाते हैं। और अभी जो देश के हालात चल रहे हैं तो कभी भी जो है देश भारत बंद हो सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये बीमारी फैल रही है। तो ये प्रोडक्ट मैं आपके लिए लेके आई हूँ ताकि आप इन्हें स्टोर करके रख सकते हो। अगर बाय द वे जैसे भारत बंद हो जाता है तो आप इन्हें स्टोर करके रख सकते हो, और बच्चे तीनों टाइम एक ही खाना नहीं खाते हैं, बोर हो जाते हैं, तो आप उनको थोड़ा अलग करके ना बना के दे सकते हो। तो यही इसीलिए ये आज मैं आपके सामने ये वीडियो लाई हूँ ताकि आप जो है, अगर आपको लगता है कि आपके शहर में या आप जहाँ रहते हो लॉकडाउन लग सकता है तो आप इसे रख सकते हो ताकि आपको परेशानी ना झेलनी पड़ी। तो देखिए यहाँ पे ये जो पीनट बटर है ये ला के रखा हुआ है मैंने, और अभी इसको मैंने ओपन भी नहीं किया है। और ये जो मैंने बड़ा वाला पीनट बटर ख़रीदा था ये उसके साथ फ्री आया है, कोकोनट आलमंड चॉकलेट स्प्रेड है ये। तो जैसे क्या होता है ना बच्चे, आप इसको ब्रेड पे लगा के दे दो तो बच्चे खा लेते हैं आराम से, क्योंकि बच्चों को हर अलग अलग टेस्ट चाहिए होता है। तो ये इसके साथ फ्री आया था, पीनट बटर के साथ, क्रंची के साथ। तो आपको देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है फ्री आलमंड चॉकलेट स्प्रेड। तो आप ये चीज़ें ला के रख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने वेज मेयोनीज भी ला के रखी है, और ये जो बर्गर ही नहीं आप पराठे पे भी लगा के बच्चे को दे सकते हो, तो उससे जो है टेस्ट बढ़ जाएगा। तो आपको थोड़ी बहुत परेशानी जो है बच्चों को खिलाने की वो कम हो जाएगी। देखो यहाँ पे पास्ता, पिज़्ज़ा, ये सब सॉस भी मैंने ला के रखा हुआ है ताकि अगर घर पे बच्चे कुछ डिमांड करते हैं तो आप जैसे बन बना सकते हो और उसके ऊपर ये सब फैला के और बच्चे को बना के दे सकते हो। कुछ मैंने चोको चिप्स भी ला के रखे हुए हैं ताकि क्या है, बच्चे चोको चिप्स सुन के ही उनका टेस्ट बढ़ जाता है और को खा लेते हैं। फिर यहाँ पे टोमेटो केचप है, ये वैसे हर घर में यूज़ होता ही है बट थोड़ा अभी स्टोर करके रखेंगे, और हो जाता है अचानक से अगर बंद तो आपको थोड़ी दिक्कत कम आएगी। और अमूल बटर ला के रखा हुआ है, तो इससे क्या होगा ना कि जैसे अगर भारत बंद हो जाता है, और आप जानते हो कि जैसे पहले लगा था तो सब कुछ बंद हो गया था, बाहर खाना वाना सब कुछ बंद हो गया था, तो अगर जैसे दिन भर बच्चे घर में रहते तो उससे भी आपको थोड़ा इजी हो जाएगा कि जल्दी से बना के कुछ दे दिया। ये आप जेम भी रख सकते हो घर पे, वैसे ये सब चीज़ें होती है, बट अगर नहीं है किसी के घर पे तो आप ला के रख सकते हो। आपको लगता है तो पनीर भी ला के रख सकते हो, क्योंकि पनीर स्टोर करके रखोगे आप फ्रीज़र में तो बहुत दिनों तक चला जाएगा। यहाँ मैंने चॉकलेट डार्क कंपाउंड, यहाँ पे ये चोकोस ला के रखे हुए हैं। अगर जैसे आप इन दिनों में क्या होता है ना, लेट उठना होता है, तुरंत बच्चों को नाश्ता चाहिए होता है, तो आप सिर्फ इनको दूध में डालो और बच्चों को दे दो तो ये बच्चे बहुत अच्छे से खा लेते हैं। तो आप ये भी घर में ला के रख सकते हो। और मतलब ये, और एक आप जो है हर्शीज के चॉकलेट सिरप आता है वो ला के रख सकते हो, आप दूध में मिला के बच्चों को ब्रेड पे लगा के, मतलब इनसे क्या होता है ना इंस्टेंट टेस्टी बन जाता है बच्चों के लिए खाना। तो आप कभी भी इनको ट्राई कर सकते हो, तो ये आप ये भी ट्राई कर सकते हो। तो आप इन्हें अभी घर पे लाके रख सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि आपके शहर में जो है बंद हो सकता है, और आप जानते हो कि फिर जब अगर बंद हो जाएगा तो सब चीज़ें इजीली नहीं अवेलेबल होती और काफ़ी लंबा मतलब लाइनों में लगना पड़ता है, तो इससे अच्छा है आप अभी लाके रख सकते हो। फ्रेंड, मैं क्या करूँगी कि अभी जैसे नेक्स्ट वीडियो में इनसे जुड़ी हुई रोज़ हर एक रेसिपी आपके साथ जो है शेयर करूँगी ताकि आपके लिए और भी इजी हो जाएगा। जैसे अगर आप इन सब चीज़ों को यूज़ नहीं करते हो तो एक इंस्टेंट आप ब्रेकफास्ट इनके ज़रिए कैसे बना सकते हो जो बच्चों मतलब तुरंत खा ले और ज़्यादा आपके हेल्थ का नुकसान भी ना हो। तो उस हिसाब से मैं हेल्थ के साथ साथ बताऊंगी ताकि हेल्थ भी हो, टेस्टी भी हो। तो आई होप फ्रेंड आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे इन सब की रेसिपी के साथ। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, बी सेफ।